कवर ड्राइव में आपका भाई चैंपियन है, मानो या ना मानो मिडल ऑफ द स्टिक निकली है वो। अच्छा ये मेरी कमजोरी है, मुझसे ये वाली शॉट लगती नहीं, हालांकि मैंने रीच भी पूरी की है। पता नहीं क्या सीन है यार, लगा यार वो हेलमेट में मारी उसने मेरे। यार देखा तुम लोगों ने, ये क्या बदतमीजी है। ओए कर यार, क्या है यार, मारता ही नहीं है, घंटा लगाता है। देखो आप आया वापस ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जबरदस्त मैच है, टेबल की टॉप टू टीम्स का मैच है आज। वेल्श फायर वर्सेस भाई हमारी टीम ओवल इनविंसिबल्स, और आज अवे मैच है, चेक करो सपोर्ट उनकी भाई, लाल लाल रंग उन लोगों के। और हमारी टीम भी बड़ी अच्छी फॉर्म में, केएल राहुल उधर से गुरबाज है, और कौन कौन अच्छा प्लेयर है, जॉर्डन कॉक्स है, करुणा रत्न है, फेलुक वायो है यार, क्रेग ओवरटन भी है सिर्फ। नाइस लाइनअप भाई उन लोगों की। मुझे लग रहा था शाहीना शाह अफरीदी इधर होगा, आई थिंक शाहीना अफरीदी और हारिस रऊफ मेरा ख्याल है यार, कि वेल्श फायर की तरफ से खेले थे लास्ट सीजन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शाहीन तो लाजमी था, चूज करते हैं हेड्स। मुझे लग रहा था शाहीन वर्सेस बाबर और शाहीन वर्सेस आपका भाई होगा, लेकिन वो नहीं हो सका, शाहीन अफरीदी अनअवेलेबल है भाई। ओवल यहाँ पर टॉस जीत गया, और वी आर गोइंग फॉर अ बैट फर्स्ट ऑन दिस पिच। पिच सॉफ्ट है, यहाँ पे लो बाउंस है इधर, और देख के खेलना पड़ेगा, बाउंस ऊपर नहीं आएगा ज्यादा, नीचे नीचे आएगा बॉल। लेकिन जो मिस हुई ना वो पैड्स पे सीधी आएगी, क्योंकि यहाँ एलपीडब्ल्यू पक्का होगा, बाउंस कम है पिच के अंदर। और ये आ गए भाई वेल्श फायर के लड़के अपने होम ग्राउंड में, सोफिया गार्डन है, छोटा सा ग्राउंड है, स्क्वेरिश सा इनका ग्राउंड है, बिल्कुल सर्कल नहीं है। और ये दो प्यारे लड़के आ गए हैं, बाबर आजम और आपका भाई केएल राहुल को देखो क्या मस्त लग रहा है यार, भाई जान स्ट्राइक लेने लगे हैं। तो चलो भाई सबसे पहले लाइक मार दो वीडियो को, फौरन से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वो देखो पटाखे बच गए हैं, हियर वी गो भाई, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच भाई, पीटरसन फर्स्ट ओवर कर रहा है, हमें पता नहीं कौन है ये, लेकिन पहली बॉल पे यार कॉन्फिडेंस था ना पिछले मैच का, मैंने ड्राइव कर दी, मैंने कहा रोकने की जरूरत नहीं है, मारो, लड़का जी ऑफ द मार्क हो गया पहली बॉल पे। और अब आ गए हैं भाई सामने द वन एंड ओनली बाबर आजम, क्या बात है बाबर भाई, जबरदस्त एवरेज और क्या स्ट्राइक रेट, 12 सेंचुरियां हुआ है, हाई लेवल है यार। दोनों भाई ऑफ द मार्क, दो पे दो, ओ कट, आज तो हर शॉट अच्छी लग रही है, देखो निकलो निकलो, कोई मसला नहीं है आज, भागो। करुणा रत्ने कुछ कहेगा यार, अच्छा ग्राउंड का एक व्यू देख लो, वो सामने चेक करो भाई, ये देखो छोटा छोटे सामने स्टैंड है, इस तरफ एक बड़ा स्टैंड है, और पीछे प्रॉपर किस तरह बना हुआ है एक, और मजे का ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड है लेकिन अच्छी डायमेंशन है, और फुल टाइम इस वक्त क्राउड बैठा हुआ है यहाँ पे। बैक फुट से चेक करो ना, बॉल उछला ही नहीं बिल्कुल भी भाई, फ्रंट फुट वाली पिच है, फ्रंट फुट वाली, मैं फिर भूल गया था, मैं बैक फुट से चला था करने, जो बिल्कुल पीछे मिलेगा ना बाउंसर वो तो खेलें डेफिनेटली बैक फुट से, बाकी आई थिंक फ्रंट फुट से चलेगा सब कुछ। देखो ये चीज, स्विंग अच्छी है लेकिन फ्रंट फुट का बॉल था, टाइमिंग हमारी अच्छी हुई है, लेकिन बॉल बहुत लेवल का, के एल राहुल खेले बच गया है, इज गॉट लकी यार। अच्छा के एल राहुल के साथ हम गुजरात टाइटन्स में खेले थे, अगर आपको याद हो तो, आईपीएल की जाकर सीरीज देखो, अभी चैनल में पड़ी हुई है, सारा कुछ पड़ा हुआ है, कैरी नहीं किया यार, यही मैं कह रहा था भाई, कीपर्स को भी ऊपर लाना पड़ेगा यहाँ पे। करुणा रत्न की वैसे पेस थोड़ी सी कम है, आपके भाई की ज्यादा पेस है, लेकिन फिर भी भाई जो एज लगे वो एटलीस्ट होता है बॉलर को, यार कैरी तो करना कम से कम। यार मैं लेट खेला और क्या स्विंग हुई है भाई, मुझे पता रहा आउट स्विंगर है ये, मैं थोड़ा सा ऑन पे खेलने गया था ऑन साइड पे, लेकिन बच गए यार, और जबरदस्त बॉलिंग करके चार इन अ रो डॉट करवा गया मुझे ये। अच्छा ये चक्कर मैंने बैक फुट से खेली और काफी नीचे होकर उसने मतलब मैनेज कर लिया, हालांकि बॉल फ्रंट फुट वाला ही था, ये भी बॉल उछले ना बिल्कुल ना भाई। मोहम्मद हसनैन आ गया पाकिस्तानी अपना शहजादा ओवर करने के लिए, नेक्स्ट हसनैन भाई हुए पेस है, और बाउंस भी थोड़ा सा निकला है 145, ये बॉल उछला इसका हसनैन का यार, नाइस यार। बाबर आजम 7 बॉल्स पे 13, देखो चेक करो पिच स्टैंडर्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट पिच है और शॉट निकल गई, नहीं 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 प्लीज, शुक्र है यार थ्रो ऐसे करके आई है डायरेक्ट ऐसे, इतना ये देखो अब भागना चाहिए ना, मसला ये कि हमारी जो बैटिंग साइड होती है, जो यूजर खुद खेल रहा होता है उसके नहीं ओवर थ्रो भागते है, जब स्टंप्स को लगती है एआई भाग पड़ता है, हमें वो ऑप्शन नहीं उन्होंने दी हुई, पक्का रन आया हुआ मेरा, क्रेक ओवरटन आ गया भाई, इंग्लैंड का अच्छा बॉलर है ये, इस पिच पे बाउंस निकालेगा ये बंदा, क्योंकि हाइट भी है इसकी, फिर भी निकालेगा बाउंस, बेशक लो पिच है। शॉट शॉट, व्हाट अ लवली शॉट, यही चाहिए था हमें ऑफ द मार्क बाउंड्री से होने के लिए, ऐसी प्यारी कवर ड्राइव मारी यार, सिनेमैटिक तो कोई अच्छा दिखाना, क्या ग्राउंड दिखाई जा रहे हो भाई, चेक करो भाई व्हाट अ लवली शॉट, बाउंस नहीं हुआ वाकई, साथ ही भाई फील्डर वो ने संका को डीप कवर पॉइंट पे खड़ा कर दिया उन्होंने, उनको पता है आपका भाई मारते हैं यहाँ पे शॉट्स यार, शॉट वंस अगेन, ओ भाई कहाँ से इतने फील्डर खड़े करोगे, तो माल का गैप निकाला है मैंने इस दफा भाई, थोड़ी फाइन के लिए उससे, और जबरदस्त शॉट, ये तो देखने वाला रिप्ले बनता है भाई। कवर ड्राइव में आपका भाई चैंपियन है, मानो या ना मानो मिडल ऑफ द स्टिक निकली है, व्हाट अ लवली स्ट्राइक है, फील्डिंग फिर थोड़ी सी चेंज किया उन्होंने, चलो फिर ट्राई करते हैं गैप निकालने की, शॉट बैक फुट से हुए, शॉट अच्छा था बट भाई अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, लेकिन पीछे बैकअप मौजूद था यार, वो ना फिल्टर बाहर खड़ा हुआ था, सिंगल ही शायद बनता या शायद दो आ जाता। शदाब खान, ओए मैंने नाम ही नहीं पढ़ा शाडी भाई का,
शडी शहजादे आजा आजा भाई, बड़े अरसे बाद स्पिनर खेलने को मिला है। पहली बॉल पक्की प्लेस की है, दो रन आने होंगे। बाबर भाई तेज हो जो डायरेक्ट थ्रो थी भाई, लेकिन बच के डाइव बड़े अच्छे मौके पे किया है मैंने यार। चलो मजा है कि थोड़ा स्पिनर खेलने को मिल रहा है यार। ओए इस दफा थोड़ी अच्छी टाइमिंग कर दी है और सिंगल ही आएगा। यस भाई इस दफा जस्ट आ सिंगल। जोड़ी हमारी अच्छी चल रही है भाई, 35 पे खेल रहे हैं, 35 रन हो चुके हैं हमें। और शादाब खान ओवर अच्छा कर रहा है, मुझे पता था गुगली है ये, और फील्डर मौजूद, शॉट अच्छी थी। वंस अगेन भाई उनका कप्तान ना इस वक्त हुआ हुआ है, पहले की तुम लोग कह लो क्योंकि विकेट नहीं मिला ना उसको। 30 बॉल हो चुके हैं ऑलरेडी यार, अब स्कोर थोड़ा तेज करते हैं। आजो आजो आजो, दो आओ दो, दो आओ दो, दो आ जानी दो दो आओ। बाबर भाई तेज 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 तेज, शाबा बहुत आला यार। हला यार दिल करे चिप शॉट खेलने का मिड ऑफ पे, लेकिन मैं अभी नहीं खेलूंगा, अभी मैं यही करूंगा दो रन के लिए ट्राई करूंगा वापस आने की। नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया भाई। भाई चेवेज आया कोई नया बॉलर, इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या करेगा ये कैसे करेगा देखते हैं। ओए शूट यार, बाबर आजम इज गॉन, 22 पे आउट हो गए बाबर भाई, लेकिन भाई खड़ा हुआ है, टेंशन लेने का नहीं यार। ओए बहुत ही स्लो है ये तो भाई, सिंगल ही करो यार, इतने स्लो बॉलर पे तो टाइमिंग समझ नहीं आती, बंदा करे तो क्या करे यार। मैं चाह रहा था इसको निकल जाए लेकिन उसने मुझे स्ट्राइक दे दिया, सिंगल कर लिया उसने, कहा करो ना रहता ना, मैं नहीं मारा इसको भाई, पेस ही नहीं है। देखो ना यार ऐसे बॉलों को समझ ही नहीं आती, बंदा स्लो जाए तेज जाता है तो अर्ली खेल जाता है, थोड़ा सा लेट हो जाए तो ओके भी चली जाती टाइमिंग, ऐसे लगा मेरा पक्का बच गया हूं मैं। इस तरह के बॉलर सबसे मुश्किल होते हैं खेलने यार, स्लो स्लो जो मीडियम से होते हैं ना। लो भाई रात इस वक्त हो रही है, सूरज ढल रहा है, साया चेक करो तुम लोग बड़े हो रहे हैं इस वक्त, लाइट्स फुल टाइम ऑन हो चुकी है यहाँ पे। और ये पेसी बॉलर है, स्प्रेड ड्राइव दो रन के लिए तो लेना ही हो गया मेरे हाल में। और इजी टू वंस अगेन, अभी तक मैंने सही तरह से बल्ला खोला नहीं अपना। ओए भाई तेज आ जा, नहीं ओ नहीं उसने थ्रो ही नहीं किया, मुझे लग रहा था मैं रन आउट हो जाऊंगा यहाँ पे यार, अर्ली खेल गया हूँ भाई। 21 पे 26 और फिर से वंस अगेन स्लो एंड लो बॉलर आ गया है, गंदी बॉल मैंने नहीं खेलनी ऐसे लग गया ना इस बॉल पे मेरा, क्योंकि ऑफ कटर था और बड़ी मजे की लाइन से था, गुड लेंथ से था तकरीबन, ऐसे खेलने जाना था और एच होना ही होना था पक्का। मैं चाह रहा हूँ मैं ऑफ स्ट्राइक हो जाऊँ इसकी बॉल पे, शॉट अच्छी है और गैप में नहीं गई स्ट्रेट टू द फील्डर एक रन। यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शेल में चला गया हूँ, मैं सही में ना रिलक्टेंट हूँ कि मैं बड़ा शॉट खेलूँ कि ना खेलूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे लगेगा नहीं क्योंकि खेला ही नहीं मैंने अभी तक, तो कॉन्फिडेंस मेरा लो हुआ है बड़ी शॉट के अंदर। शादाब वंस अगेन आ गया भाई, 8 बॉल्स पे 10 किए हैं। शेडी भाई को मेरे ख्याल में रिवर्स पे की जाए अभी, चेक करो शॉट अच्छी है। ओए नहीं 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 कहाँ जा रहे हो वे भाई, फंसा हुआ मैच, 53 बॉल्स हो चुके हैं, 66 पे बैठे हैं सिर्फ, कम अज कम सोच रही है मैं आखिरी 50 बॉल्स पे, आखिरी 46 बॉल्स पे काम फंस गया यहाँ पे। शॉट अच्छी है, फिल्टर के हाथ में है, रन आउट चांस है, लेकिन उसने एज यूजुअल देर कर दी और हमने सिंगल चुरा लिया। लास्ट में सिंगल के सामने मुझे लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मोहम्मद हसनैन ही ओवर होगा कि कुछ करेंगे अगर हमें सामने आए तो इस बार ही नहीं भाई चैवेस। अच्छा इसमें सीन ये है कि यार 5 बॉल्स के बाद ना एंड चेंज नहीं होता, मतलब लास्ट बॉल मैंने सिंगल ली है लेकिन एंड वही रहेगा, तो जब तक एंड वो रहेगा तब तक स्ट्राइक में फील्डर बैट्समैन वही रहेगा जो सामने गया हुआ है, ये भी इसमें सीन है भाई। 10 बॉल्स के बाद इसमें एंड चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए लास्ट बॉल पे जब सिंगल किए मैं सामने नहीं आया हसनैन की बारी, ये सीन है थोड़ा सा इसमें, 100 में एक नई चीज़ आई। लो जी 30 बॉल्स रह गई हैं और आपका भाई तो गंदी इनिंग्स खेल रहा है, देखा भाई उड़ना ही भूल गए हैं, इतना गंदा खेल रहे हो कि अब तो हमें उड़ती हुई शॉट्स भूल गए हम तो यार। करुणा रत्न कुछ कह रहा है, कप्तान देख मैं कैसे कर रहा हूँ मुझे कुछ कर यार, अब मारते हैं इसको, करुणा रत्न को सामने से मारता हूँ मैं, शॉट है भाई। अच्छा हमारा पार्टनर भी करुणा रत्न है और इधर से बॉलर भी करुणा रत्न है यार, क्या कोइंसिडेंस है, बस थोड़ा सा पहले पहले लेटर्स का फर्क है दोनों में, हमारे वाला डी करुणा रत्न है, वो वाला सी करुणा रत्न है यार, तो ये सीन है भाई। ओए जल्दी खेल गया, दो आओ दो आओ दो आओ, स्ट्राइक में लेना चाहता हूँ भाई वापस, प्लीज आ जाओ, नाइन नो रन वापस जाने यार, 21 बॉल्स रह गई हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अब मैंने भी लेना है क्योंकि मैंने हिटिंग करनी है यहाँ पे, काम खराब हो सकता है वरना ना बहुत ज्यादा टीम के लिए। ये तो एक अन्नी शॉट थी जो मारी है, बस आंखें बंद करके मारी है मैंने, 15 बॉल्स रह गए सिर्फ और स्कोर 127, करुणा रत्न ने स्कोर ऐसा उठाया ना कि मजा आ गया यार आज तो। मिड विकेट की तरफ ओए टाइम ही नहीं, मैं सिंगल नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा था मैंने कहा मिड विकेट की तरफ मिले मैं ऊपर से टपवा दूं, लेकिन मुझसे शॉट टाइम ही नहीं बिल्कुल भी यार, गंदे इनिंग्स खेल रहा हूं सीरियस में, गंदे इनिंग्स खेल रहा हूं आज मैं, एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा हूं टीम के ऊपर, बॉल बाउंस ही नहीं हुआ देखो बिल्कुल भी। चलो जी ऐसे ही तो ऐसे ही सेम लेट खेलो काफी ज्यादा, चौका मिल गया शुक्र है यार, चौका तो मिला, बाउंड्री मिलनी चाहिए थी, 3 बॉल्स रहती हैं, 2 बॉल्स रहती हैं, 10 रन करने हैं 2 बॉल से पक्का
अच्छा ये मेरी कमजोरी है, मुझसे ये वाली शॉट लगती नहीं, हालांकि मैंने रीच भी पूरी की है। पता नहीं क्या सीन है यार, ये मुझे यहाँ पे देता रहेगा तो मैं इतना रो बीट करता रहूंगा बॉल्स ना। एक मैच भी मैं इस तरह हार रहा हूँ लास्ट ओवर में जाकर, तीन करना था वो मुझसे हुआ ही नहीं। चलो जी सिंगल के लिए आ जाओ भाई, दंड मार रहा हूँ पूरा। मोहम्मद हसनैन यही तो मैं चाह रहा था, कोई पेसर लगे 10 बॉल्स पे कुछ खींचे स्कोर को यार, टीम मैच ना हार जाए आपके भाई की वजह से। कहीं इज्जत का सवाल है, अब तो शॉट ही नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल शॉट लग ही नहीं रहा मेरे से तो। किधर आ रहा है, 2-1 ही बनेगा यार। वो हेलमेट में मारी उसने मेरे यार, देखा तुम लोगों ने, ये क्या बदतमीजी है, ये देखो भाई। ओ भाई जोर की लगी है यार, वो देखो कैसा बाउंस हुआ है, कैच पकड़ा उसने वापस। शेडी लास्ट ओवर है, प्लीज अपने भाई से खा लो कुछ फेंटी शेंटी यार, कप्तान हूं मैं आपका पाकिस्तान में। शेडी ने कहा भाई कैच हुआ पहली बॉल पे, फील्डर नहीं आया। देखो आइडियल सब कुछ हुआ है, फिर भी शक्का नहीं हुआ यार, बॉल ना स्पिनर पे जाती नहीं आ गए, लेकिन शॉट फिर भी चलो अच्छा था यार, मुझे लग रहा था कि मैं कैच हो जाऊंगा। पूरी नाप तोल के मारी है, पूरा वेट करके मारी है, आइडियल हुआ लेकिन फिर भी छह नहीं हुआ यार। छुक्कर है यार, चौका हो गया, पहली पे ही चौका आया है। थोड़ा रूम देता हूँ अपने आप को, पीछे हो जाता हूँ, ऑफ साइड पे खेलूंगा। गंदा गंदा, दो आ दो आ दो आ दो आ दो, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, जानू प्लीज वापस आ जाओ। नहीं भाई अब स्ट्राइक आती नहीं अपनी, पूरी ओवर खेल के बिना 50 ही नहीं हुआ, क्या शेम है यार। अपनी बारी आनी मुझे लग रहा है, सामने में आऊंगा ही नहीं कभी। इनिंग्स खत्म हो गई, देखा करुणा रत्न ने प्लीज तो कुछ कर लिया। ओए सब बेल ड्रोमंड आ गया था भाई, स्कोर कितना गया 154 यार, करुणा रत्न ने स्कोर उठाया 45-84। आपके भाई ने इतना कुछ गंदी किया आज, वैसे मजा नहीं आया बैटिंग का ना। 154 है यार, कम से कम 160 होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन अभी फुल ट्राई करेंगे, क्या पता बॉलिंग अच्छी हो जाए। तुम लोगों को पता है ना पिच में लो बाउंस है, पैट्स में मारेंगे केएल राहुल के, तुम लोगों को पता है वैसे भी केएल राहुल नसीम शाह के सामने जरा रिलक्टेंट होता है थोड़ा थोड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना आज अपने भाई से। फर्स्ट बॉल नया नया बॉल हाथ में है और ये हम जाने लगे हैं फर्स्ट बॉल करने के लिए। केएल राहुल इज ऑन स्ट्राइक, तेज करूंगा पहला बॉल, फुल तेज है। शॉट भाई ब्रिलियंट शॉट, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये फील्डर बेवकूफ है यार। ये तो चौका था ही नहीं, सीधा हाथों में जा रही है, भाईजान ने रोकना गवारा ही नहीं किया बिल्कुल भाई, सहमत नहीं की बॉल पे आ रहा है सीधा, अच्छा वाला यहाँ से आके पता नहीं इसको क्या हुआ, यहाँ से आके पैसे ले लिए इसने। वो देखो ये ना रोकने नहीं हमने, वापस हो गया क्या यार ड्रामा। और वो चक्कर होगी बॉल से एक ही चौके के लिए, पहले स्कोर इतना कम है, ऊपर से तमाशा लगा रहे हैं लोग। फील्डिंग ने मैंने सेट की नहीं, चलो बोल्ड करके करते हैं ना सेट इसको। ये देखो केएल राहुल गया, ये तो गया, दो पे दो चुके आ गए, ये तो मसला है इतने बड़े प्लेयर्स का यार, इनको रोकेगा कौन। चलो भाई फील्डिंग सेट करनी पड़ गई है हमें आखिरकार। लो जी स्टार्टिंग में ही ऐसी फील्डिंग लगा दी है कि हम थोड़ा सा लग रहा है ना कि बैकफुट पे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं प्लीज अब चौका ना हो जाना। 3 ना रन ही हुए, शुक्र है भाई, यॉर्कर तो अच्छा दिया था मैंने पूरा यार। ये जो विकेट है ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट है, केएल राहुल का, गुरबाज दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं यार, बाउंसर करते हैं लेकिन वही होना पता तो है आप सबको, कीपर के ऊपर से जानी है, यही जो इस गेम का ग्लिच है एक। ये देखो जी ओए शुक्र है, नहीं भाई शॉट लग गया इस दफा, लेट्स गो। ओए कर्नाट कर यार, क्या है यार मारता ही नहीं है, घंटा लगाता है, देखो अब आया वापस ये। केएल राहुल को होने लगा है यॉर्कर, आज डेस्परेट है क्योंकि रन कम है भाई, विकेट सही है हमें। एच पकड़ लो, शुक्र है चौका बच गया भाई, बॉल थोड़ा सा गंदा हो गया था। नेक्स्ट ओवर देते हैं अपने शहजादे सैम करन को। सैम करन 25-36 यार, स्टार्ट अच्छा मिल गया इनको, पार्टनरशिप अच्छी लग गई है। ओवर पावर प्ले हो गया था, आखिरी 3 ओवर आपको फिर 15 बॉल्स करनी है और यहाँ पे 15 बॉल्स डिसाइडर होंगी क्योंकि 75 बॉल्स हो चुके हैं ऑलरेडी मैच में यार, और पीछे 25 रह गई जिसमें से 15 आपके भाई ने भी करनी है, और फील्डिंग जरा सेट करनी है अच्छी सी। एक बार आउट देखो हुआ ही कोई नहीं अभी तक उनका, यार हद होगी। अच्छा मैं कह रहा हूँ 75 बॉल्स हो चुकी है, 75 बॉल्स लेफ्ट है भाई यार, हद है वैसे मैम। एच चलो बॉल्स का नहीं पता चला तो क्या हुआ, विकेट तो ले ली ना जो इंपॉर्टेंट चीज थी भाई, बिस्ती करने की जरूरत नहीं है, आउट कर दिया हमने, क्या बात है यार। जाने इंपॉर्टेंट विकेट, इन स्विंगिंग फुल लेंथ बॉल थी, मुंह में दी मैंने कहा मार दे, फिर मार सकता तो उसने एंड अप किया, कीपर को एक आसान से कैच पकड़ा था, कीपर ने कोई मिस्टेक नहीं की भाई, कैच थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि कीपर इस तरफ चला गया हुआ था पहले, फिर इधर को आया, पूरा बैलेंस शिफ्ट करना पड़ा यहाँ पे, और बिग विकेट मिल गई अभी रहमान लो, गुरबास एज कौन ने सांका आगे ये भी मारता होता है यार। फील्डिंग मैंने ऐसी खड़ी कर दी है कि बस डिफेंसिव पे चला गया हूँ मैं, क्योंकि वो मार पीट रहे हैं यार स्लो बॉल, एट द एंड मैंने स्लो की थी बॉल लेकिन उसे पकड़ ली अच्छी, ये गल तो अगर रन हो गया तो ये क्या बदतमीजी है यार। हद है वैसे ना, ये फजूल है इस गेम का काम यार। चलो जी यॉर्कर भैया, यॉर्कर भैया, और ये पैटम सांका को वी नीड विकेट्स भाई, और ये विकेट आने लगी है, चेक करो अगर चौका ना लगा ना इसका तो विकेट है, पकड़ो वही लकी नहीं इससे, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कहाँ चली गई बॉल, तो इधर ही रह गया भाई, आउट स्विंगर है ये, क्या ऐसे लगेगा
नहीं भाई कोई ऐसे नहीं लगेगा। नाइस ओवर कम्स टू एन एंड। अब किसको ओवर दें भाई, कैसे अहमद को लाते हैं स्पिनर सर, थोड़ा सा कैप्टन मिस्ट्री काम करे अपना, थोड़ा सा रिस्ट स्पिनर है। और विकेट नहीं मिली भाई, 45 बॉल 64 गोइंग गुड। के एल राहुल का विकेट मुझे चाहिए हर हाल में, लेकिन निशांका ऑन स्ट्राइक है तो चलो निशांका का ले लेते हैं विकेट। यार मेरी टेंशन हो रही है स्पैश में, लग रहा है कि हार ना जाऊंगी मैं। वही लैग हुई थोड़ी सी, और सिंगल, जस्ट अ सिंगल। क्राउड भी फुल खामोश है अभी, क्योंकि मैच अभी ना मतलब पेंडुलम शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अभी तो सेंटर में ही है मैच घूम मेरे पास। अभी एक दो विकेट्स की बात है, मोमेंटम हमारे साथ आ जाएगा यार। गंदी बॉल थोड़ी सी लेग साइड में जा रही, मारो जानी तुम स्लो हो यार। यार अभी तक सीम मारी नहीं है, तो एक सीम मार के देखते हैं जरा क्या बनता है। थोड़ा सा लेग साइड पे जा रही है, लेकिन खैर है, खैर नहीं है ना, चौका ना पड़ जाए। शुक्र है पकड़ लिया भाई, बहुत आला यार। जो भी है ना जानी, तुमने लेवल कर दिया आज। अब ब्यूटीफुल आउट स्विंगर होने लगा है, और निशांका शायद एज करवा दे कीपर को। ओह नहीं यार, ज्यादा ही बाहर चली गई। मरियल से बाउंसर करते हैं स्लो सा। ये देखो बॉल उछला ही नहीं बिल्कुल भी, क्या बात है इस पिच की यार। फर्नांडो को ओवर देते हैं। फर्नांडो भाई विकेट चाहिए हमें, प्लीज निकाल के दो। नहीं यार कोई भी नहीं निकाल रहा विकेट, 60 बॉल्स पे 86 हो गया उनका यार। भाई लास्ट ओवर करने आ गए, 40 बॉल्स पे 69 है अभी भी उनका। मेरा ख्याल है अभी मैं नहीं करता ये वाला ओवर, अभी ये ओवर किसी और को देता हूँ, सैम करन को देते हैं ओवर ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इससे अगला ओवर किसको करें, सैम करन को करते हैं, ठीक है ओके। 65 बॉल्स पे 94 for 2, के एल राहुल आउट हो गया। सैम करन अच्छी मूव आपके भाई की, और करण ने आउट कर दिया अभी केएल राहुल को यहाँ पे। अब तो लास्ट ओवर है, ये ओवर मैं कर दूंगी अभी भी, इसके बाद एक और करता हूँ, अभी भी रुक जाता हूँ एक और ओवर ना, क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी पूरी बना रहे हैं हम। और भी जरा ध्यान से मैं कंट्री को एक ओवर देते हैं, ठीक है दो आउट है अभी। 25 for 39 अभी, आई थिंक ओवर कर लेना चाहिए मुझे, और ये ओवर अच्छा हो गया ना तो मैच बन जाएगा अपने लिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई यॉर्कर से, और क्या पता एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाए। एक मैच में हुआ था, मैं हैट्रिक पाया था इस तरह ही। बॉल तो सही थी क्या, व्हाट अ कमबैक, अपने आप को स्पेल में वापस लाए, और क्या पहली बॉल में विकेट ले लिया, जबरदस्त भाई। टीम के लिए कुछ अच्छा होने लगा आज, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट विकेट लिया है। मुझे लगा था कि यॉर्कर मिल गया है, फुल टॉस बन गया वो, लेकिन शुक्र है लो बैट के बिल्कुल बॉटम में लगी है, और सीधा भाई कैच, अच्छा कैच पकड़ा करन, सैम करन गुड हो गया भाई। चैवज इज गॉन, आपको ना शदाब खान एक बैटिंग कर लेता है बंदा, और अच्छी बैटिंग कर लेता है आजकल तो काफी फॉर्म में। शेडी भाई आपको आ रहा है यॉर्कर, और आप हो रहे हो बोल्ड, खेल गए हो, चौका ना मार देना प्लीज। चलो शुक्र है सिंगल हुआ, दो का चांस था वैसे जाया किया इन्होंने यार। निशांका 49 पे आ चुका हुआ है, और अभी स्ट्राइक पे है यार, मैं इसको करूँ भाई इन स्विंगर, क्योंकि आगे बॉल नहीं करूंगा यहाँ से, शायद पैट्स पे आ जाए। छक्का पड़ गया यार, बहुत बड़ा मारा इसने, व्हाट अ 50 भाई, छक्का मार के आपके भाई को उसने 50 किया है, तो बात है इस बंदे में कुछ। 22 for 32 विकेट चाहिए, मैं विकेट निकाल लूंगा उसको। यॉर्कर जा रहे हैं, जो हमारी मेन स्ट्रेंथ आजकल बनी हुई है। मुझे लगा था कि बोल्ड हो जाएगा, लेकिन भाई खेल गया वो। लो भी जानी लास्ट बॉल है इनिंग्स का, और क्या करें, थोड़ा सा ना मीडियम पेस से कर देता हूँ, और ऑफ कटर नहीं तेजी करूंगा। ये देखो ऑफ कटर है, शट यार। 20 for 30 यार, मैच बन भी सकता है और मैच हाथ से निकल भी सकता है। रेस्ट पे देखो निशांका ने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है, हर जगह खेली ऑलमोस्ट। भाई किसको दें, कैसे अहमद को दे दें या ना दें, दे तो दिया अब ओवर। चलो जी चेस कर गए वो, देखा भाई रन शॉर्ट थे हम, 10-15 रन शॉर्ट थे आज, बैटिंग अच्छी नहीं की यार। वेल्श फायर से हम हार गए, वेल्श फायर ऊपर हो गया भाई, लीडर बन गया वो इस पूरे टेबल का यार, और हम नंबर 2 पे हो गए आज, हम नहीं अच्छा कर पाए। अच्छा वैसे जीती वो साइड है, मैन ऑफ द मैच हमें मिल रहे हैं, इनकी मुझे कोई समझ नहीं आती यार, करते क्या ये लोग। जस्ट वांट टू थैंक आवर ओपोनेंट्स फॉर द गुड गेम यार, ठीक है ओके भाई। वेल्श फायर जीत गए यार 7 विकेट से, और ये है स्कोर कार्ड, हमसे स्कोर ही नहीं हुआ आपका भाई, पूरी इनिंग्स खड़ा रहा, 50 भी नहीं पता कर सका यार, तो हारना तो बनता था फिर यार। चलो नेक्स्ट मैच में जरा अच्छा कमबैक करेंगे, थोड़ा जरा तगड़े होकर खेलेंगे, मिलते हैं अभी नेक्स्ट मैच में। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक लास्ट में शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।